हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम ओनली विथ 3 इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो प्यूरी ली है, जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते समय आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप चाहें तो आइसक्रीम में डायरेक्ट मैंगो पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है थोड़े टाइम में। 2 मिनट प्यूरी को पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी और इसे एकदम अच्छे से मेल्ट होने तक हम पका लेंगे। शुगर एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अब हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। मैंगो प्यूरी अब हमारी एकदम तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया 1 कप व्हिप्ड क्रीम। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हिप्ड क्रीम आपकी एकदम चिल्ड होनी चाहिए। अब हम क्रीम को बीट कर लेंगे। एकदम स्टिफ पीक आने तक हमें इसको बीट करना है। 3 से 4 मिनट में ये व्हिप्ड क्रीम हमारी अब एकदम तैयार है। अब हम व्हिप्ड क्रीम में मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। अब हम इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क यूज किया है। अब हम इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आइसक्रीम बेस हमारा एकदम तैयार है फ्रीज करने के लिए। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें हमारा ये आइसक्रीम बेस फ्रीज करने के लिए रख देंगे। आप इस समय आइसक्रीम में मीठा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें शुगर और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे सेट करके फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इसको पहले फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। 6 आवर्स के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारी आइसक्रीम सेट हुई या नहीं। तो ये देखिए आइसक्रीम हमारी एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ये देखिए एकदम क्रीमी एंड स्मूथ मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है।